भोजपुरी एक्टर से राजनेता बने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक बार फिर से पापा बन गए। उन्होंने एक बेहद ही प्यारी तस्वीर अपने इंस्टा अकाउंट पर फैंस के साथ शेयर की। मनोज तिवारी ने पोस्ट में अपनी न्यूबॉर्न बेबी के साथ फोटो शेयर किया और बच्ची को गोद में ले रखा है। ये प्यारी तस्वीर शेयर करते हुए मनोज तिवारी ने लिखा कि मेरे घर एक नन्ही परी आई है, मुझे एक बेटी का पिता बनने का सौभाग्य मिला है। जय जगदम्बे। स्ट्रीट पर लगातार फैंस और जानने वाले कमेंट्स कर रहे हैं और मनोज तिवारी को बधाई दे रहे हैं। बता दें कि मनोज तिवारी पहले ही एक बेटी के पिता है। वैसे मनोज के घर पर नए साल पर ये खुशी आई है। मनोज की फोटो देखकर लग रहा है कि वो काफी खुश हैं। अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों ने मनोज तिवारी की ट्वीट को लाइक किया। मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम है। वो दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वो लगातार 2 बार सांसद भी चुने गए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी मनोज तिवारी ने ये चुनाव जीता था। भोजपुरी गानों की दुनिया में भी मनोज तिवारी ने अपनी पहचान बनाई। मनोज तिवारी ने कई हिट गाने दिए, इसमें बगल वाली, जान मारिली, रिंकिया के पापा, इंटरनेशनल, लिट्टी चोखा जैसे गाने शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी कई गाने दिए। इनमें से एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासीपुर में गाना गाया गया है जिसके बोल जियो ओ बिहार के लाला है। ये गाना काफी हिट हुआ था। तो यह है पूरी खबर जहां पर एक बार फिर से मनोज तिवारी ने अपने फैंस को दी गुड न्यूज और नए साल के इस मौके पर मनोज तिवारी के घर आई नन्ही परी। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।